बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हिना सादिक। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ की कढ़ाई, और स्पेशल हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे बीफ की कढ़ाई, जिसके लिए हमने एक 1 kg हमने ये मीट ले लिया है बीफ का, और हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट एक प्याले लिया है, और बाकी के मसाले हम आपको बाद में बताते हैं। तो हम ऑन कर लेंगे, हम इसमें अभी कुछ घी वगैरह कुछ भी अलग से नहीं डालेंगे, बस सिर्फ हम मीट डाल के और हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। दो तीन मिनट हम इसको भूनेंगे अच्छे से, ताकि गोश्त हमारा वाइट हो जाए जिंजर गार्लिक पेस्ट में, और फिर हम इस पर पानी डाल के कवर करके लिड लगा के पकने देंगे। ये हमने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट में भून लिया है, और बस हम इसमें पानी डाल के इसको हम 1 घंटे के लिए पकने देंगे। हमने पानी डाल दिया है इसके अंदर, ताकि हमारा मीट अच्छे से टेंडराइज हो जाए। लिड लगा के हम कवर कर देते हैं, और आपसे मिलते हैं 1 आवर्स के बाद। चलिए जी, देखिए हमारा जो है गोश्त का पानी जो है पूरा ख़त्म हो गया है, नीचे बस थोड़ा सा रह गया ये। इसी में हम ये टमाटर डाल देंगे, ये हमने 5 से 6 टमाटर लिए हैं, ये हमने 5 से 6 टमाटर लिए हैं, और इसके अंदर डाल दिए हैं। बीच बीच से बस हमने 2 टुकड़े करे, ये फूड कलर है 2 pinch, ये हम दही में मिला रहे हैं। इसको मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे अपनी कढ़ाई में। इससे ये होगा कि हमारे कढ़ाई की जो बीफ की बोटी है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिए 1 tablespoon भर के, 1 tablespoon हमने नमक लिया है, 1.5 हमने चिली फ्लेक्स लिए, और हमने 1/2 tablespoon हमने गरम मसाला लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने 1 प्याली घी लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हम बाद में डालेंगे। हमने ये 1 tablespoon हमने जो है साबुत धनिया, और 1 tablespoon हमने जीरा लेके उसको ड्राई रोस्ट करके हमने ग्राइंडर कर लिया है, और ये हमने कुछ मिर्चें हमने हाफ कर ली हैं, और कुछ मिर्चें हमारी साबुत हैं, और ये हम दोनों बाद में डालेंगे। लिड लगा के हम कवर कर देते हैं, ताकि हमारे टमाटर के जो ये छिलके हैं ऊपर ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और टमाटर अच्छे से गल जाएं, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए जी, हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, और अब हम इनके छिलके निकाल लेंगे। हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, टमाटर जो थोड़े से साबुत साबुत से हैं उनको हम अच्छे से दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारा अच्छे से मसाला बन जाए। उसी में ही हम अपना ड्राई वाला मसाला डाल देंगे, कोरिएंडर पाउडर और जीरा, ये मिर्चें डाल देंगे हम। ये
देखिए गोश्त हमारा कैसा गल चुका है, ये देखें बिल्कुल अच्छे से दब रहा है। अब मिर्ची को हल्का सा दम देने के लिए हम लिड लगा के कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, फिर हम आपको 5 मिनट बाद दिखाएंगे। हमारे कितनी अच्छी सी कढ़ाई रेडी हो चुकी है और कितना बेहतरीन कलर आया हमारा। सारे टमाटर भी हमारे मसाले वाले हो गए हैं। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं, हमारी डिश रेडी है। ऊपर से हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल देते हैं और बाकी ऊपर से हम गार्निशिंग में डालेंगे। तो आप रोटी से खाइए, नान से खाइए, हमारी रेडी है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और फिर हम अभी आपको सर्व करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी अदरक गार्निशिंग कर देंगे। थोड़ी सी धनिया डालेंगे, चलिए जी। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई रेडी है। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और आने वाली नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।